हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के पाइथन के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे सर्चिंग एरे। एरे में कोई आपको एलिमेंट सर्च करना है तो आप कैसे सर्च करेंगे वो हम लोग यहाँ पर राइट अप करेंगे। सो आप जो भी वैल्यू देंगे उसका इंडेक्स वैल्यू आपको रिटर्न करेगा आउटपुट में। सो यू कैन सर्च एन एरे फॉर अ क्रिएटिंग वैल्यू एंड रिटर्न द इंडेक्स दैट गेट अ मैच। अगर कहीं पर आपको मैच मिलेगा तो उसका आपको इंडेक्स वैल्यू ये रिटर्न करके देता है। टू सर्च एन एरे यूज द वेयर मैथड। तो सर्च करने के लिए आपके पास नम पाइप के अंदर वेयर मैथड होता है जिसके थ्रू आपका सर्च जो है वो कम्प्लीट होती है। जैसे आप यहाँ पर लिख रहे हैं इम्पोर्ट नम पाई एस एन पी, हमने यहाँ पर एक एरे क्रिएट किया जिसमें 4 आपके मल्टीपल टाइम दिए हैं। अब आपने यहाँ पर लिखा एन पी डॉट वेयर एर इक्वल टू 4, जिस जो वैल्यू आपकी 4 4 है तो उसका इंडेक्स वैल्यू आपका रिटर्न हो जाएगा। देखो 4 कहाँ कहाँ पर है, 0 1 2 3, एक तो 3 इंडेक्स पे है, 5 इंडेक्स पे है एंड 6 इंडेक्स। तो इसमें आउटपुट जो रिटर्न कर रहा है वो कर रहा है आपका 3 5 एंड 6। कोड के थ्रू हम लोग इसको प्रॉपर देखेंगे। सो स्पाइडर को आप ओपन कर लीजिएगा, न्यू फाइल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं एंड इसे सेव कर लेते हैं। फाइल को सेव एस एरे सर्च डॉट पी वाई से हम इसे सेव कर देते हैं। नाउ सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इम्पोर्ट नम पाई एज एन पी आप लिख देंगे, देन एर इक्वल टू एरे क्रिएट कीजिए एन पी डॉट एरे, देन एलिमेंट आप राइट अप कर देंगे यहाँ पर, मल्टीपल एलिमेंट आप लिख दीजिए 1 2, देन हम 4 लिख देते हैं यहाँ पर, अगेन 3 5 4, देन 6 एंड अगेन 4। अब आपको सर्च करना है इसमें 4 आपका कहाँ किस किस इंडेक्स पे है। तो हमने एक्स इक्वल टू यहाँ पर लिखा एन पी डॉट वेयर, वेयर वेयर के अंदर आप कंडीशन देंगे सो एर इक्वल टू 4। 4 एलिमेंट आपका इस एरे में कहाँ कहाँ पर है वो इंडेक्स वैल्यू आपकी रिटर्न होगी एक्स के अंदर, एंड उसके बाद आप प्रिंट कर देंगे इस एक्स को तो ये कंप्लीट इंडेक्स वैल्यू आपकी रिटर्न कर देगा आउटपुट में। सो इफ यू रनिंग दिस कोड देन इट कैन बी शोइंग एज अ 2 5 एंड 7 इंडेक्स। सो 2 5 एंड 7 चेक करते हैं हम लोग। सो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो आपके 0 2 5 एंड 7 इंडेक्स पे आपका रिटर्न कर रहा है वैल्यू एज अ इंडेक्स वैल्यू ऑफ दिस सर्च। तो सर्च की जो हमारी इंडेक्स वैल्यू ने रिटर्न की एरे में वो इंडेक्स वैल्यू आपकी रिटर्न हो गई है 2 5 एंड 7। इसी टाइप से आपको रिटर्न करना है जो एरे एलिमेंट आपका डिविजिबल होगा 2 से, यानी इवन नंबर आपको। देखिए इसमें आपका है फाइंड द इंडेक्स वेयर द वैल्यू आर इवन, जिस इंडेक्स पे आपकी वैल्यू इवन है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे परसेंट 2 इक्वल टू 0। अब जिस जिस इंडेक्स पे वैल्यू आपकी 0 आएगी एरे के एलिमेंट की वो आपका यहाँ पर रिटर्न कर देगा इंडेक्स वैल्यू। सो आप रन करेंगे तो देखिए किस किस इंडेक्स पे है, 0 1 ये इवन नंबर है, 3 इंडेक्स पे आपका 0 1 2 इंडेक्स पे आपका इवन नंबर है, देन ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी आपका इवन है, तो 0 1 2 3 4 5 पे आपका हो जाएगा 6 एंड 7। सो 1 2 5 6 7 पे आपका ये रिटर्न कर दिया इसने, क्या इंडेक्स वैल्यू आपकी रिटर्न कर दी जहाँ पर आपके इवन डिजिट है। सेम अगर आप 1 लिखेंगे तो आपके ऑड जहाँ जहाँ आपकी ऑड डिजिट होंगी उसका इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर देगा। देखिए 0 पे आपका ऑड है, 1 2 3 पे ऑड है, 4 4 पे ऑड है, इसके अलावा अदर जगह आपका ऑड नहीं है तो ये रिटर्न कर देगा आपकी वैल्यू को। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इसमें सर्च सॉर्ट। अब आपको सॉर्ट करना है, एक सॉर्टेड फॉर्मेट में वैल्यू डिफाइन करनी है और उसका इंडेक्स वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। सो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इम्पोर्ट, देखिए इम्पोर्ट इम्पोर्ट नम पाई तो आपका पहले से है तो डायरेक्ट हम लोग एक एरे यहाँ पर भी क्रिएट कर देते हैं। एरे 1 इक्वल टू हमने यहाँ पर लिखा एन पी डॉट एरे, एक एरे हमने क्रिएट किया जिसके अंदर हमने एलिमेंट दे दिया है यहाँ पर 6 7 8 9 एंड 10। नाउ यू कैन फाइंड द इंडेक्स वैल्यू ऑफ एन इंडेक्स एनी वेरिएबल, किसी भी एलिमेंट का आपको इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो x इक्वल टू आपने यहाँ लिखा एन पी डॉट सर्च सॉर्ट सॉर्ट सर्च सॉर्टेड, देन इसके बाद आपने एरे का नाम लिखा एरे 1 एंड उसके अलावा आप यहाँ पर एलिमेंट सर्च कर देंगे जो एलिमेंट आपको सर्च करना है। मैंने 7 को सर्च किया एंड इसके बाद आप प्रिंट करेंगे इस
यहाँ पर हम x नहीं लेते, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं y, अदरवाइज आपके x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो यहाँ पर आप प्रिंट कर दीजिए y को, सेव करेंगे आप तो ये क्या दे देगा आपका 0 एंड 1, 7 आपका 1th इंडेक्स पे है तो आपका रिटर्न हो जाएगा 1। सो इस टाइप से आपका क्या हो जाएगा, इसमें एलिमेंट जो हो जाते हैं वो आपके सर्च यहाँ पर हो जाएंगे। सो इस टाइप से आप इसे रिटर्न करा सकते हैं। नाउ इफ आई रनिंग इट, इस केस में आपका ये 0, 1 एंड 2 इंडेक्स पे आपका ये रिटर्न कर रहा है वैल्यू को। इसी वे में अगर आप लास्ट से राइट हैंड साइड से इसको चेक करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप चेक करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप लिखेंगे एरे 7, देन इसके बाद आप साइड डिफाइन कर देंगे। बाई डिफॉल्ट तो आपका लेफ्ट साइड से लेता है, साइड इक्वल टू आप राइट से इसको एक्सेस करें। सो यहाँ पर आप लिखेंगे राइट, राइट से अगर आप इसकी इंडेक्स वैल्यू की बात करेंगे 7 की तो कितना हो जाएगा 0, 1, 2 एंड 3, देन आप रन करेंगे सो ये रिटर्न करेगा आपका 3। सो 0, 1, 2 एंड 3 इंडेक्स पे ये आपका रिटर्न कर देगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, कोई एलिमेंट आपको सर्च करना है अपने इंडेक्स वैल्यू के थ्रू आपको सर्च करना है तो वो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपका क्रिएट होता है एरे इंडेक्सिंग में आपका एरे सर्च। थैंक यू स्टूडेंट।